subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Especially मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. After the और बाती हम, this is the show I'm doing with my full, I'm available. You know, I want to come every day. So जब story तेज चलती है तो characters भी increase होते हैं, shades अलग होते हैं characters. और एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत line थी हमारे dialogues में जब मंगल सवाल करती है कुसुम जी से अपनी सासू माँ से कि आपने इनको क्यों रखा घर में. तो she said कि believe in me. तो मंगल जवाब देती है कि भरोसा तो टूट जाता है मगर आस्था कभी नहीं टूटती और मेरी आप पर आस्था है. My intention is always to bring smiles on someone's face. My reason never, you know, I never showed my pathos, my pains, my sufferings on my Instagram. Well, मंगल लक्ष्मण के बहुत ही मंगल चीज हुई है कि कल के रेटिंग में ये लोग ने क्रॉस किया 1.8 and that is a really good news for the show. First of all, I have Deepika here with me. Congratulations, Mangal. Thank you. कैसे लग रहा है आपको? Show is doing so well. लोग इतनी बातें कर रहे हैं, हर जगह चर्चा हो रही है. What do you have to say about that? क्या ही बोलूँ? I'm grateful. For the love we are receiving, our show is receiving. और कल जब रेटिंग आया तो भी हम लोग, मुझे तो जब तक मैंने चार्ट नहीं देखा तब तक मुझे बिलीव नहीं हुआ. एंड इट वॉज लाइक आई एम सो सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स, टू द गॉड, टू माई ऑडियंस, टू द मंगल लक्ष्मी ऑडियंस एंड टू द राइटर्स, टू माई डायरेक्टर, टू माई को एक्टर्स हु आर वर्किंग रियली 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 हार्ड एंड ऑल्सो माई फैमिली बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव a good amount of time at my home. So I'm so thankful to my son Soham that he is coping with my busy schedule and my husband, my family, my mother-in-law who is like I am working every day like 30 days a month and main 5 years ghar pe rahi hu aur uske baad achanak se maine song ko choda hai. So abhi pichle 2-3 months se kafi hectic schedule ho gaya tha. So finally I'm getting off on Sunday. Thankfully. She's so happy with the off. Yes, I'm so happy. I'm always very happy for her off because Soham is always looking forward for like mama, when is your holiday? So this time he is very excited for Sunday's holiday. So yeah, because of the show is doing great. So finally, ये भी है कि कहीं ना कहीं you know हम मुझे off भी मिल सकता है. So I'm so excited for that especially. And yes, of course you know everybody because of the TRP, एक शो की longevity पे हम लोग पूरी यूनिट का हाँ होता है और पूरे लाइक 150 लोग हर रोज घर से निकलते हैं और वो चाहते हैं कि यू नो एक शो, एक जिस शो से वो जुड़े हैं वो 1.5 साल 2 साल कम से कम चले. देन ओनली प्रोड्यूसर विल गेट द बेनिफिट टू द पीपल, यू नो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर ले सकते हैं. तो कितने सारे लोगों का सपना पूरा होता है एक शो के लंबे चलने से. तो वो मुझे अच्छा लगता है कि यू नो और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. आफ्टर दी और बाती हम, दिस इज़ द शो आई एम डूइंग विद माई फुल my full I'm available energy, you know I want to come every day. I love my character Mangal, you know, giving my energy, my thought and the kind of maturity I have right now. So it relate to me. Mangal कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट करती है, मैं कनेक्ट कर जाती हूँ मंगल के कैरेक्टर से. तो ये कैरेक्टर मुझे बहुत, मुझे खुशी भी होती है इस कैरेक्टर को परफॉर्म एवरी डे. देयर आर डिफरेंट लेयर्स स्टोरी और सबसे अच्छी बात ये कि स्टोरी बहुत आगे बढ़ रही है. इफ यू मिस्ड एनी एपिसोड तो आपको देख के वापस, आप जब एक एपिसोड देखेंगे तो आपको लगेगा पीछे का एपिसोड भी देखें. तो इतनी फास्ट मूविंग स्टोरी चल रही है. तो जब स्टोरी तेज चलती है तो कैरेक्टर्स भी इंक्रीज होते हैं, शेड्स अलग होते हैं कैरेक्टर्स के. तो वो मुझे बड़ा मजा आ रहा है मंगल की जर्नी को दर्शाने में. एंड आई एम सो सो थैंकफुल टू सुजैना मैम, यू नो हु इज अ प्रोड्यूसर एंड शी इज अ वेरी 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 गुड राइटर. एंड उनका जो स्क्रिप्ट को लेकर है, लक्ष्मी जी हैं जो स्टोरी लिख रही हैं, अनंतिका है जो स्क्रीन प्ले. तो द होल टीम इज वर्किंग सो हार्ड. आई थिंक हमारी स्ट्रेंथ जो है हमारी स्टोरी है, हमारा स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है. हमारे डायरेक्टर फहीम सर, एवरीवन, गौरव सर इज वर्किंग सो हार्ड, ऑल द एक्टर्स आर सो मच, यू नो जब टीआरपी अच्छी आती है तो हम लोगों को भी और ज्यादा एनर्जी डालने का मन करता है. मैं सोचती आज 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लूंगी. एब्सोल्युटली. वैसे ये कहना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ऑडियंसेस वेट कर रहे हैं दूसरी आपकी, वही फिर से उसी इंसान के साथ दूसरी बार शादी होने वाली है. पर मैं जानना चाहती हूँ हाउ एक्साइटेड योर सन इज, बिकॉज इससे बहुत कम बार होता है कि अपने माँ बाप की शादी देखने मिले और उसके माँ की शादी देखने मिल रही है. वही जब अक्षत को लाइन में बोल रहा था कि ना मैं जब मम्मी, मैं तो बारात में आऊंगा, तो मैं यही सोच रही थी ना. तो हम लोग जब रिएक्ट करते हैं तो बिकॉज बच्चे की एक्साइटमेंट से, बेशक आदित्य और मंगल के बीच में काफी डिफरेंसेस हैं मगर बच्चों की खुशी के लिए वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, अम्मा पापा की खुशी के लिए कर रहे हैं.
तो वो बच्चों की वजह से ना उस कैरेक्टर के अंदर भी एक एनर्जी आती है और ये होता है कि नहीं हमें बच्चों के लिए सबके लिए खुशी से करना है, तो कहीं ना कहीं वो शेड्स एक एक लेयर चेंज होती है कैरेक्टर की। और होता भी है कि बच्चे एक्साइटेड होते हैं अपने मम्मी पापा की एल्बम देखने में, शादी की वीडियो देखने में, और अक्षत और ईशाना के तो सामने शादी हो रही है, तो दे आर वेरी 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 एक्साइटेड। तो उनकी एक्साइटमेंट देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और एज अ मंगल बहुत खुश है इन चीजों से, पर साथ साथ कुछ कुछ चीजें भी चल रही हैं जो सौम्या कर रही हैं, तो एक कहीं ना कहीं लग रहा है वो रंग में भंग डालने वाली है। हाँ, दिल में कुछ हिचक तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि शी इज अ बिलीवर इन, शी हैज अ स्ट्रांग बिलीव इन माता रानी, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ तो लग रहा है कि, बट शी बिलीव्स हर सासू मां सो मच कि अम्मा ने उसको बोला है कि यू नो। और एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत लाइन थी हमारे डायलॉग्स में, जब मंगल सवाल करती है कुसुम जी से, अपनी सासू माँ से, कि आपने इनको क्यों रखा घर में, तो शी सेड कि बिलीव इन मी, तो मंगल जवाब देती है कि भरोसा तो टूट जाता है मगर आस्था कभी नहीं टूटती, और मेरी आप पर आस्था है, अपनी सासू माँ को बोलते हैं। तो बहुत ही डायलॉग्स हैं हमारे शो में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल। लास्टली मंगल, हमने देखा सौम्या के लिए कोई पार्सल आता है और सौम्या उसको लेके कुछ हिचकिचाहट दिखाती है, वो बता नहीं पाती उसमें क्या है, कह रही है कि शादी के लिए लहंगा मंगवाया है, दाल में कुछ काला लग रहा है आपको। जी नहीं, देखिए मेरे लिए, मंगल के लिए तो मैं तो उसको ऐसा ले रही हूँ कि देखिए घर में जब फेस्टिवल्स होते हैं, शादी होती है, तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है हमारी फ्रेंड्स में या फिर फैमिली के अंदर जो एक ऐसे कपड़े पहन के निकलता है, यू नो, जिसमें हम चौक जाते हैं, इसमें तो ये बताया ही नहीं था कि ये पहनने वाली है, तो ऐसा होता है। तो मैं तो इसको ऐसे ही ले रही हूँ कि सौम्या जी कुछ खास पहनने वाली है, तभी वो दिखा नहीं रही है किसी को, और अगर वो नहीं दिखाना चाहती है तो क्यों ही देखना है। और शी डजंट गिव सो मच हीट और सो मच इम्पोर्टेंस टू हर, सो दैट्स व्हाई शी ओनली सेज कि अम्मा क्यों ही देखना है, बट अम्मा एंड लिपिका और मेरी मदर जो है शांति जी, वो थोड़ी सस्पिशियस है उस गिफ्ट उस पार्सल को लेकर, बट मंगल के बॉदर नहीं करती है, मंगल कहती है दिखाना नहीं चाहती तो क्यों देखे क्या ही होगा तो वो ऐसे करके मंगल उस एटीट्यूड में ले जाते हैं कि हमको क्यों ही देखना, जब ये दिखाने जाती, जब पहन के आएंगी तो देख ही लेंगे। तो मंगल के दिमाग में कभी भी गलत विचार नहीं आते, कभी भी ऐसे, वो शी इज अ बिलीवर, शी मंगल इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, शी बिलीव ऑन ह्यूमन, शी बिलीव ऑन पर्सन, शी बिलीव इन गॉड। तो जो इंसान विश्वास रखता है ना, वो कभी भी यू नो इतने ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में लाता भी नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। लास्टली आपके बात करते हो, आपके हाथों की मेहंदी पर मेरी जो नजर जा रही है बार बार, बड़ी खूबसूरत सी मेहंदी लगाई आपने, इफ यू कैन शो अस डिजाइन, मंगल इज ऑल सेट टू गेट, ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ बिकॉज शादी का है तो हमने सोचा कि क्यों ना रियल मेहंदी लगा ले, क्योंकि रोज स्केच पेन लगाने में यू नो टाइम वेस्ट होता है, एंड या इट्स लुकिंग नाइस and the color is really coming out so well, and thanks to my hairstylist Ashwini and Ritika जिन्होंने इतनी झटझट झटझट करके प्यार से ही मेहंदी लगा दी। वंडरफुल। मंगल तो दिल जीत ही रही है, बट दीपिका यू एज एन इंडिविजुअल ऑन सोशल मीडिया, जब आप अपने रील्स पोस्ट करते हो, इतनी सारी एक्टिविटीज करते हो, कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, हाउ आर यू डीलिंग विद दैट, क्योंकि एक तरफ इतना सारा प्यार और एक तरफ ये कुछ लोग हैं जो पीछे बैठ के यू नो जिनका नाम नहीं होता, फेस नहीं होता, फेसलेस होते हैं, पर बस आई डोंट नो, मुझे तो काफी दिन से कुछ ऐसा दिखा नहीं कि कोई मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, क्योंकि मुझे वो दिखाई नहीं देता ऑनेस्टली, अगर दिखता तो मैं ऐसा कुछ करती नहीं कि जिससे लोग बार बार अप्रिहेंड करें। आई ओनली लुक एट माई सेल्फ एंड माई इंटेंशन टू वर पोस्टिंग अ रील, माई इंटेंशन इज ऑलवेज टू ब्रिंग स्माइल्स ऑन समवन्स फेस, माई रील्स आर नेवर, यू नो आई नेवर शोड माई पैथोस, माई पेन्स, माई सफरिंग्स ऑन माई इंस्टाग्राम, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट लुक एट दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ, सो आई ऑलवेज शो अ हैप्पी साइड ऑफ माइंड एंड टू स्प्रेड हैप्पीनेस, दैट्स वॉट आई believe in, to spread so my intention is always to spread happiness, and I think it's a biggest it is the blessing, and it's you're creating a good karma if you bring a smile on someone's face, so that's what my intention is, and my intention is not wrong. If somebody is hurt or is offended with my posting of doing a dancing, I think साड़ी में डांस करने में क्या ही जो है वो है, तो एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट दैट, तो आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई डोंट मैच विद देयर वाइब, विद देयर थॉट प्रोसेस, तो आई एक्सेप्ट लाइक दैट, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो द फ्रेम, टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम में मैंने कितना मैं दे सकती हूँ, आई नो हाउ यू नो किसी भी चीज़ पे अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसको ज़्यादा पॉलिश करते हैं, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाती है, एंड
बट जो रील्स मैं डालती हूँ वो ऐसे शोर शराबे में और एक बार देखकर ऐसे ही डाल देती हूँ. तो फॉर मी इज जस्ट टू कनेक्ट, इट्स अ वे टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस, टू माय फॉलोअर्स दैट हे आई एम डूइंग गुड, आई एम ऑल राइट, आई एम फाइन, आई एम नॉट इन फीवर, आई एम नॉट इन एनी थ्रॉट पेन, आई एम डूइंग गुड. सो इट्स माय वे टू कनेक्टिंग विद माय फॉलोअर्स. इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग आई एम गिव आई बेस्ट वर्जन ऑफ माय सेल्फ शोइंग, इट्स नॉट लाइक दैट. आई हैव नॉट मैं उतना विचार नहीं करती हूँ उस चीज पे, ना ही मैं इतना प्रैक्टिस करके रील्स बनाती हूँ, बिकॉज उतना टाइम नहीं रहता. आई एम एन एक्ट्रेस, आई एम अ मदर, आई एम एन ओडिसी डांसर टू, सो आई एम लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. आई नो आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी दैट विद दिस बिजी स्केड्यूल आई एम एबल टू गिव टाइम टू माई सेल्फ. परफेक्ट. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस. So if somebody say something, actually I just post a reel and मैं तभी Instagram का internet off कर देती हूँ, because फिर मेरी बाकी activities suffer करने लग जाती हैं. जैसे मुझे dialogues पे काम करना पड़ता है, बहुत सारे scenes पे काम करना पड़ता है, तो मुझे वो इफेक्ट नहीं करता क्योंकि दिखता ही नहीं है मुझे. और अगर कभी दिख भी जाता तो मैं जवाब दे देती हूँ. और I respect everyone. I love how honestly, you know, she is accepting it ki jo hai wo hai, but she has that no nonsense attitude. And I really don't want to change anyone. Ji. Honestly, to main mujhe pata hai ki har ek insaan ki na ek age bracket hota hai, ek soch ka daira hota hai. To har insaan apni age, apne sufferings, apne circumstances ke hisab se react karta hai. So I don't know, jab wo mujhe troll kar rahe hain us time pe unki state of mind kya hai. Bilkul. Kya pata unki life mein itna dard hai ki mujhe bolne ke baad unka dard kam ho raha ho. Aur agar main wo zariya hoon to I am so grateful to God that main wo zariya ban pai ki wo apna gubar mujh mein nikal pai. Main to itni strong hoon ki mujh pe koi farak nahi padne wala. Lovely. I just love this attitude, Deepika. All the best for Mangal Lakshmi. Hope it does more well. Thank you so much. Thank you so much. Thank you once again to all the trawlers, to all my audience, to all my followers. Because of you, I am here, and you are my, you know, I am so much there on the explorer page of Instagram because of all, because of you and because of your love, my show is doing well. So thank you to each one of you. Hello, I am Deepika Singh, and you are watching me on India Forums.